So our next topic is that is we are here for three topics, that is difference between Harappan civilization and Mesopotamian civilization. Number two, that is art and crafts of IVC. Then weight and measures of Indus Valley civilization. Then the society of Indus Valley civilization. तो कभी कभार एग्जाम में इस पे क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पूछा जा सकता है. ओके, सो नंबर वन इज दैट इज द डिफरेंस बिटवीन हड़प्पन एंड मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन. देर इज अ ह्यूज डिफरेंस. ऑल्दो दीज सिविलाइजेशंस वर कंटेम्प्रेरी, लेकिन हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो देवर उनकी जो सिटीज जो थी दे हैड द मोर प्लान टाउन्स. एंड इन केस ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन द ग्रोथ वॉज वेरी हैफजर्ड ग्रोथ. ओके, देन इन हड़प्पन सिविलाइजेशन द टाउन प्लानिंग वॉज बेस्ड ऑन ग्रिड पैटर्न. ग्रिड पैटर्न पे बेस्ड थी. ग्रिड पैटर्न मीन्स दैट इज द सेक्टोरियल डिविजन. सेक्टोरियल डिविजन था. स्ट्रीट कट ईच अदर एट द राइट एंगल. बट सच प्लानिंग वॉज एबसेंट इन केस ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन. देन अगर हम बात करें दैट इज पॉटरी की बात करें, तो पोलीक्रोम पॉटरी जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन में यूज होती थी. हमने डिस्कस किया था दैट इज रेड एंड ब्लैक टाइप की पॉटरी जो है वो यूज होती है. डेकोरेटेड है. यूटिलिटेरियन अप्रोच है. देन ऑफ कोर्स फॉर द कॉमन यूज भी है. अगेन सच काइंड ऑफ पॉटरी जो है इतनी डिटेल और इतनी पॉलिश्ड पॉटरी जो है दैट इज एब्सेंट इन इन केस ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन. देन द हड़प्पन स्क्रिप्ट जो है दैट इज येट टू बी डेसिफर्ड. मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की स्क्रिप्ट डेसिफर हो चुकी है. हड़प्पन स्क्रिप्ट जो है वो छोटी छोटी सील्स पे है. उनकी इतनी लंबी इंस्क्रिप्शन नहीं है. बट इन केस ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन दे हैड अ वेरी लॉन्ग इंस्क्रिप्शंस. ओके, और वहां पे भी पिक्टोग्राफिक है, यहां पे भी पिक्टोग्राफिक है, लेकिन वहां की जो है वो डिकोड हो गई है, यहाँ की डिकोड नहीं हुई है. देन द हड़प्पन एरिया वॉज मोर वाइड स्प्रेड एरिया एज कंपेयर टू मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन. देन द डोमेस्टिकेशन ऑफ एलिफेंट वॉज देयर. हियर डोमेस्टिकेशन ऑफ एलिफेंट इज एबसेंट. देयर डोमेस्टिकेशन ऑफ हॉर्सेस वर देयर. यहां पे हॉर्सेस की डोमेस्टिकेशन जो है वो एबसेंट है. सो देर इज अ ह्यूज डिफरेंस. बिकॉज शुरू में भी हमने जब डिस्कस किया था देर वर सर्टन थ्योरीज, देर वर सर्टन स्कॉलर्स जो हैं, जैसे मॉर्टिमर व्हीलर है, जेम्स मिलर, वो ये कहते थे कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का ओरिजिन जो है वो फॉरेन ओरिजिन का है. तो वहां पे भी इस आंसर को आप कोलैबोरेट कर सकते हो. देन नंबर नेक्स्ट इज दैट इज वेट एंड मेजर्स. दे हैव देयर ओन स्टैंडर्ड वेट ऑफ मेजर्स. दैट इज यू कैन से दैट इज हेक्साडेसिमल एंड डेसिमल सिस्टम वॉज फॉलोड बाई देम. वेट्स का जो जो शेप थी वो क्यूबिकल थी एंड स्फेरिकल थी. एंड जनरली दे फॉलोड द फार्मूला जो है 16 रेशो का. दैट इज 1, 2, 4, देन 8, देन 16, 32, 64, 128, 256, इस तरीके से फॉलो किया जाता था. ये वेट एंड मेजर्स की मैं कहाँ पे बात कर रहा हूँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात कर रहा हूँ. कभी कभार जो है इस पे क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है. देन नंबर नेक्स्ट इज आर्ट. इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो आर्ट जो है दैट इज अ वेरी पॉपुलर आर्ट. ठीक है, आर्ट का मतलब जो है दैट इज आर्टिजन क्या क्या चीजें बनाते थे. तो सबसे कॉमन चीज जो है, सबसे कॉमन जो है वो मटेरियल जो है दैट वॉज बेक्ड क्ले. बेक्ड क्ले वॉज नोन एज टेराकोटा. तो टेराकोटा जो फिगर्स हैं, टेराकोटा के जो टॉयज हैं, टेराकोटास के जो ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप्स हैं, टेराकोटा के जो प्लोज हैं, टेराकोटास के जो छोटे छोटे जानवर उन्होंने बनाए हुए हैं, वो बेसिकली क्या है, बेक्ड क्ले है. ओके, इट इज अ बेक्ड क्ले. पकी हुई मिट्टी जो है उससे खिलौने जो है वो बनाए जाते हैं. देन इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग जो है देवर एक्सपर्ट इन एलॉयस. मेटलर्जी में वो एक्सपर्ट थे. और मेटलर्जी की जो बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, दैट इज द ब्रोंज. देवर एक्सपर्ट इन ब्रोंज मेकिंग. तो ब्रोंज कैसे बनाते थे, वो कॉपर और टिन को मिक्स करते थे, ब्रोंज बनाते थे. हालांकि हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन से हमें ब्रोंज का इतने मटेरियल मिला नहीं है, बड़े कम है. बट अगेन देवर द फर्स्ट इन द वर्ल्ड. बाद में मेसोपोटामियंस ऑल्सो न्यू द आर्ट ऑफ ब्रोंज मेकिंग. यहां पर भी है लेकिन यहां पर पहले आ गया. ओके, सो देवर एक्सपर्ट इन ब्रोंज. ब्रोंज के हमें सील्स भी मिली हुई है. देन ज्वेलरी. अगेन ज्वेलरी आर्टिजन थे. बाहर से जो है गोल्ड, बाहर से सिल्वर, वहां से प्रीशियस स्टोन्स जो है वो यहां से इंपोर्ट किया जाता था. एंड ऑफ कोर्स उसको ज्वेलरी में जो है वो क्या किया जाता था, ज्वेलरी में कन्वर्ट किया जाता था. अगेन कुछ हमारे पास इंपॉर्टेंट है, जैसे फॉर एग्जाम्पल स्टीटाइट स्टोन से एक प्रीस्ट किंग की फिगर है. ओके, द किंग, द फिगर ऑफ प्रीस्ट किंग. ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं ही वॉज अ चीफ प्रीस्ट, कुछ लोग बोलते हैं ही वॉज अ रूलर. बट वी हैड यू कैन से दैट उसका एक जो काइंड ऑफ अ स्टैचू जो है, एक प्रॉपर स्टैचू जो है, अगर आप देखोगे गूगल इमेजेस में जाके
तो वो आपको मिलेगा प्रीस्ट किंग ऑफ आईवीसी और बियर्डेड प्रीस्ट। ओके, बियर्डेड प्रीस्ट ऑफ आईवीसी। तो अगर आप उसमें देखेंगे तो उसका एक पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ बियर्ड का है, देन उसने ब्रेसलेट पहना हुआ है, आर्म स्लेट पहना हुआ है, देन अगेन दैट इज अ कॉपर स्टैचू और यू कैन से द डांसिंग गर्ल, कॉपर का जो है ठीक है, ये मोहनजोदाड़ो से मिला हुआ है। अगेन जो ये जो डांसिंग गर्ल जो है, जो इसकी जो पोजिशन है, सम स्कॉलर सेज दैट इट इज सिमिलर टू कथक डांस। अगर कथक डांस था तो इट मीन्स म्यूजिक का भी प्रेजेंस है आईवीसी में, तो आर्ट एंड कल्चर में भी ये आ सकता है। देन द मोस्ट आर्टिस्टिक अचीवमेंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन अगर हम उसमें देखते हैं, दैट इज अ सील। सील जो है सबसे ब्यूटिफुल ऑब्जेक्ट है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, और सील्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट सील है दैट वॉज मदर गॉडेस, तो कॉमन है, लेकिन जो उसमें जो सबसे एक्सेप्शन है दैट वॉज द सील ऑफ, यू कैन से दैट दैट इज पशुपति। ओके, देन द लास्ट वन जो है दैट इज सोसाइटी ऑफ आईवीसी। सोसाइटी ऑफ आईवीसी में बड़े सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। दीज रेसिस वर प्रोमिनेंट रेसिस थी, प्रोटो एस्ट्रोलाइट, मेडिटेरियन, एल्पेनाइट एंड मंगोलाइट। सेल्सपोस अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है इन चारों में डोमिनेट कौन सा है, तो इन चारों में जो सबसे डोमिनेट रेस जो थी दैट वाज द मेडिटेरियन रेस, जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे डोमिनेटिंग थी। देन देयर वाज अ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन वाज ऑलमोस्ट एब्सेंट, लेकिन क्लास स्ट्रेटिफिकेशन है, क्लास स्ट्रेटिफिकेशन है। कहते हैं कि देयर वाज अ क्लास सिस्टम था, कास्ट सिस्टम आईवीसी में नहीं था। क्लास सिस्टम हमें कैसे पता चलता है, जब हमने टाउन की जो है डिविजन किया था, दैट वॉज अपर सिटीडल और लोअर टाउन। तो कहते हैं जो अपर सिटीडल में जो है कुछ रिच लोग रहते थे, और लोअर टाउन में जो है आर्टिजन्स रहते थे और कॉमनर्स लोग रहते थे। अदरवाइज देर वॉज नो कास्ट डिफ्रेंसिएशन, बट ऑफकोर्स क्लास डिफ्रेंसिएशन वॉज देयर। देन हाउसिंग पैटर्न ऑफ आईवीसी, ये भी सोसाइटी का पार्ट है। यू नो द हाउसिंग पैटर्न, दैट वॉज अ ग्रिड पैटर्न, देर वॉज अ ड्रेनेज सिस्टम, दैट वॉज द प्रॉपर प्लानिंग थी, दैट वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यू कैन से दैट फीचर ऑफ आईवीसी। देन अम्यूजमेंट, अम्यूजमेंट के लिए जो है दैट इज बुल फाइटिंग वॉज देयर। सम स्कॉलर्स सेज दैट चेस सिस्टम भी होता था। कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं कि डाइस प्लेइंग जो है अगेन इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ अम्यूजमेंट। अगेन सोसाइटी में रिलीजन भी आता है, यू नो द रिलीजन, देयर इज टेम्पल लाइक स्ट्रक्चर इज एब्सेंट, सोसाइटी वॉज वेरी सेकुलर, कुल देवता कुल देवी का कॉन्सेप्ट रहता था ये सोसाइटी में आईवीसी का। तो ओवरऑल जो है दिस इज द सोसाइटी और सोसाइटी ऑफ आईवीसी। सोसाइटी ऑफ आईवीसी में देवर द पीस लविंग पीपल, मोस्ट ऑफ देम वर ट्रेडर्स, देवर बिजी इन ट्रेड एंड कॉमर्स। इंडस वैली सिविलाइजेशन से पूरे रीजन में आप इमेजिन करिए कहीं पे भी हमें कोई वेपन नहीं मिला हुआ है। वेपन के नाम पे अगर सबसे कोई मिला हुआ है, दैट इज द किचन नाइफ मिला हुआ है। देवर पीस लविंग पीपल, देवर वंडरफुल पीपल, देवर वेरी एडवांस, दे हैव वेरी हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, दे लेड अ वेरी अर्बनाइज्ड लाइफ, ठीक है ना। सोसाइटी बड़ी एडवांस थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की।